सामने वाले आश्रम में जाकर के भोजन प्रसादी लेना था। मैं आ गई हूँ गौरी गोपाल गौशाला में। राधे राधे दीदी। बढ़िया, तुम बताओ? मैं बहुत अच्छी हूँ, कृपा है करने। वायरल कर दो गुरुजी ने तुम्हें। ये देखो मेरे पास आ गई। इधर आउट एरिया में गौशाला थी, बाकी गई सब नहीं आ गई है, अब एक गौशाला आ गई है। महाराज जी पढ़ा रहे हैं बच्चों को यार। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज मैं फिर से आप लोगों को गौरी गोपाल आश्रम के दर्शन कराने वाली हूँ और अनुरुद्धाचार्य गुरु जी के। तो आप लोग बने रहिए कंटिन्यू मेरे आज के ब्लॉग में, बहुत ही मस्त होने वाला है आज का ब्लॉग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का ब्लॉग। तो चल दिए हैं दोस्तों हम गौरी गोपाल आश्रम और अब हम दिखाते हैं और गुरु जी से मिलाते हैं। देखो ये पुलिस चौकी है, ये सीधा आपको दिख रहा है ना, ये प्रेम मंदिर वाली रास्ता है। प्रेम मंदिर पर आके पुलिस चौकी के पास खड़े होकर हम सीधे हाथ पर परिक्रमा मार्ग में मुड़ जाते हैं गौरी गोपाल आश्रम के लिए। ये परिक्रमा मार्ग है और जो भी परिक्रमा लगाते हैं तो उनको परिक्रमा में मिल जाएगा गौरी गोपाल आश्रम। और देखिएगा दोस्तों हम मुड़ गए हैं गौरी गोपाल आश्रम की तरफ। बस ये आई गए, थोड़ी ये भीड़ बहुत ज़्यादा है इधर, हम यहाँ से निकलते हैं भीड़ से, फिर हम चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। और आज मैं गौशाला के भी दर्शन कराऊंगी आपको, गौशाला और दिखाऊंगी और गुरुकुल दिखाऊंगी। ये देखो मैं आई यहाँ पर, पता नहीं क्या हो रहा है, ये मुझे नहीं पता पोती पात्र क्या बोलते हैं। ये देखो लाइन लाइन से जा रहे हैं भगौने खाने के। आप लोग सोच रहे होंगे ये छत पर खाना चल रहा है उस दिन की तरह, लेकिन नहीं, उस दिन बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, तब दुमन जिला पर चल रहा था, लेकिन आज यहाँ नहीं चल रहा है खाना। मैंने पूछा था, आज वहीं चल रहा है जहाँ हमेशा चलता है खाना। ये सामने दिख रहा है ना आपको पुराना गौरी गोपाल आश्रम, यहीं तो मैं आ गई हूँ इसमें। और देखो साधु संत यहाँ पे बैठे हैं, महाराज जी अभी अभी जस्ट खाना बांट कर गए हैं अंदर, अंदर सारे लोग हैं वहीं पर दर्शन देने के लिए। यहाँ पर देखो ये खाना अभी अभी बांट के गए हैं और सारे लोग खा भी रहे थे। चलिए मैं दिखाती हूँ थोड़ा और आगे बढ़ के। ये अंकल है पहला हुआ खाना भर रहे हैं और ये देखो हम बैठ के खा रहे हैं इधर, ये साधु संत भी खा रहे हैं और जो यहाँ पर ठहरे थे रात में उन्होंने भी ले लिया। और ये है गाड़ी महाराज जी की, लाइन लाइन से जितनी भी ज़रूरत वाली गाड़ी है उनकी वो सारी यहाँ पर खड़ी हैं, देख सकते हैं आप लोग। एम्बुलेंस से लेकर और जो भी उनकी गाड़ी हैं सारी खड़ी हैं। एम्बुलेंस देखो वो खड़ी है, कोई बीमार हो जाता है जैसे माताएं वगैरह तो जाती हैं। ये अंकल खाना बटोर रहे हैं और अब हम चलते हैं रसोई घर में, पुरानी वाली रसोई घर में, देखते हैं वहाँ खाना चल रहा है या नहीं। जहाँ नया था उस दिन मैंने दिखाया था वहाँ तो आज नहीं चल रहा है खाना, और शायद यहाँ पर चल रहा होगा, उस दिन भीड़ की वजह से खिला रहे होंगे यहाँ पर। तो आ गई हूँ यहाँ पर, देखो ये माताएँ खा रही हैं ले लेके खाना, गुरु जी ने बांटा था वही, काश मुझे भी उनके हाथों से बटा हुआ भोजन मिल जाता। थोड़ी लेट हो गई मैं, अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर। देखो ये पुरानी रसोई है, यहीं चलता है हमेशा खाना और आज भी यही खाना चल रहा है। उस दिन भीड़ की वजह से वो नया वाला आश्रम है ना, वैसे चलेगा वहीं पर चलेगा जब वो पूरा क्लियर हो जाएगा बनके तब। ये देखो मैं खाने नहीं जा रही हूँ अंदर, मैं बस यहाँ से दिखा देती हूँ और चलती हूँ ऊपर। यहाँ पर आ चुके हैं गुरुजी और गुरुजी दे रहे हैं गुरुदक्षिणा, तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ। गुरुजी से अभी कोई मिल नहीं सकता क्योंकि गुरुजी गुरु मंत्र दे रहे हैं, जो जो भी गुरु मंत्र ले रहे हैं उनको। देखो कितनी सारी भीड़ है, देख सकते हैं आप लोग, और ये लाइन लगने लगी है महाराज जी से मिलने के लिए। तब तक गुरु मंत्र अभी लास्ट है, ये ख़त्म होता है लास्ट है, बस इतना ही दे रहे हैं महाराज जी, मतलब जो भी गुरु मंत्र ले रहे हैं वो लास्ट हैं। और अब लाइन लगवाने लगी हैं जो यहाँ की गार्ड हैं, लेडीज गार्ड, वो देखो लाइन लगवा रही हैं सामने। तो चलिए हम भी लाइन में लग जाते हैं और लग चुकी हूँ मैं लाइन में महाराज जी के। ये लास्ट गुरु मंत्र है, ये दे के फिर महाराज जी सारे लोगों से मिलेंगे। और यहाँ पर ये पता नहीं गुरु मंत्र देने के बाद ऊपर बिठा दिया उन लोगों को, ये बैठे देखो महाराज जी दिख रहे हैं ना मैं आप लोगों को। देखो महाराज जी के दर्शन करा देती हूँ, श्री अनुरुद्धाचार्य गुरु जी के दर्शन आप लोग कर लीजिएगा। मैं आई, चलो अभी जिस वक्त मैं आई हूँ ना, अगर उस वक्त आप भी आओगे तो आपको भी अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। मैं अभी आई हूँ सुबह, आप लोग 11 बजे आइए या फिर सुबह 8 बजे। ये देखो लाइन चलने लगी है और यहाँ पर सारे लोगों को बिठा दिया है गुरु मंत्र लेने के बाद, गुरु दक्षिणा देने के बाद। ये पता नहीं क्या बोल रहे थे यहाँ पर देने के लिए, इसलिए सारे लोग बैठ गए हैं। और ये लाइन देखो जाने लगी है महाराज जी के पैर छूने के लिए, उनसे मिलने के लिए। तो हम आ गए हैं, मैं तो लाइन में लगी थी। यहाँ पे देखो ये महाराज जी बैठे बैठे आशीर्वाद दे रहे हैं और कुछ लोग पैर छू रहे हैं। और यहाँ पे एक लेडीज आई थी, बोल रही थी महाराज जी मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे अपने आश्रम में रख लीजिएगा। मतलब रखने लायक नहीं थी, एकदम लड़की की तरह थी, ऐसा भी नहीं था कि बड़ी बूढ़ी है तो रख लो। तो महाराज जी ने बोला आपको हम ऐसे नहीं रख सकते हैं क्योंकि आप अपने घर जाइए, अपनी फैमिली देखिए। और मैं यहाँ लाइन में लगी हूँ महाराज जी के दर्शन के लिए, मैं जा रही हूँ वहाँ पर पैर छूने के लिए। वैसे तो छूने नहीं देती लेकिन छू लूँगी मैं।
और यहाँ पे ये भैया दिख रहे हैं ना आपको, ये बहुत ही अच्छी महाराज जी की पेंटिंग बना के लाए हैं। तस्वीर बहुत सुंदर है जिसमें ये भैया और महाराज जी हैं, और देख सकते हैं ये महाराज जी बैठे, इनको अभी देंगे वो भैया, तब मैं दिखाऊंगी, अगर दिखा पाऊंगी तो आपको तस्वीर पूरी दिखा दूंगी कैसी कैसी बनाई है। और यहाँ पे ये मैया देखो लेके खड़ी है सहरा महाराज जी के लगाने के लिए सिर पे, ये दिख रहा है ना, देखो लगाने के लिए जा रही है महाराज जी के। और यहाँ पे ये बैठ गए हैं सारे लोग गुरु मंत्र, मतलब गुरु मंत्र लेने के बाद फिर ये बोल रहे थे कोई शंकर चक्र जाने क्या बोल रहे थे देने के लिए, इस वजह से ये सारे लोग ऊपर बिठा दिए हैं। मैं मानती सबको हूँ लेकिन मैंने गुरु मंत्र भी किसी से लिया नहीं है, प्रेमानंद जो महाराज जी मैं उनको भी मानती हूँ, उन गुरु जी को भी मानती हूँ। गुरु जी चले गए हैं और ये देखो पता नहीं कहाँ से आए हैं ये लोग झोला ले लेके और रसोई घर में जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और झोला के झोला लिए जा रहे हैं पूरे देख लो, हैं पता नहीं कहाँ से दूर से आए हैं कहीं। और मैं अब आ गई हूँ बाहर और दिखा रही हूँ आपको, ये बाहर महाराज जी के पोस्टर लगे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे पोस्टर हैं, दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। और यहाँ से खड़े होके मैं पूरा आश्रम दिखाती हूँ, पहले मैं ऐसे दिखा देती हूँ फिर मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाऊंगी, और उसके बाद हम गौशाला जाएंगे, गुरुकुल दिखाएंगे और गैया दिखाएंगे आप लोगों को, और किस जगह है इनकी गौशाला गैया की वो भी बताएंगे। तो देखिए मैं यहाँ से थोड़ा आपको दिखा देती हूँ, ये पूरा गौरी, ये गौरी लिखा है वो दब गया है गौरीपाल आश्रम। अब हम चल दिए हैं गौशाला के लिए, चल के आप लोगों को मिलाते हैं गौशाला में प्यारी प्यारी गैयों से, और दर्शन कराते हैं गैया के, और गुरुकुल बन रहा है नया वो भी दिखाते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो गया है गौरी गोपाल गौशाला, देखो यहाँ से स्टार्ट हो गया, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही जगह में बना हुआ है। ये देखो मैं आ गई हूँ, आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना, आपको परिक्रमा मार्ग में ही दोनों चीज़ मिल जाएंगी, गौरी गोपाल आश्रम और गौरी गोपाल गौशाला। मैं आ गई हूँ गौरी गोपाल गौशाला में, कल पानी बरसा ना बहुत तेज, वही भर गया है इसमें, ये देखो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे रखा है टेंट के भगवान में भरा हुआ चारा, तो यहाँ पे जिसको किसी को भी खिलाना है वो सारे लोग ले जाके नान में डाल डाल के गैया बछड़ा को खिला रहे हैं। और हम चलते हैं आगे, ये लिखा देखो देसी घी, और ये है श्री अनुरुद्धाचार्य महाराज जी का भोलू, इससे भोलू कहते हैं या भोला कहते हैं क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, आप बताओ कमेंट करके, मेरे ख्याल से तो भोलू कहते हैं इससे। सारे लोग देखो इसके पैर छू रहे हैं, इसे खिला रहे हैं, और यहाँ पे गाइस ये क्या हो रहा है आप लोग बताइए कमेंट करके, ये गैया दान में दे रही हैं या गैया दान में ले रही हैं ये पता नहीं मुझे, आप लोग बताइए ये क्या हो रहा है। और मुझे भी मौका मिला भोलू को खिलाने का तो मैं भी यहाँ पर थोड़ा आ गई हूँ। यहाँ पर गैया बछड़ा तो बहुत है लेकिन इसमें जो दो हैं उनको मैं अच्छे से जानती हूँ, एक ये भोलू और एक है गाय रहती है यहाँ पर जिसका नाम है गंगा। वैसे तो यहाँ पे गाय बछड़ा बहुत सारे रहते हैं, अगर इनके पास में जाओ ना तो चाटते हैं हाथों को। राधे राधे दीदी, बढ़िया तुम बताओ। मैं बहुत अच्छी हूँ, कृपा है करने। वायरल कर दो गुरु जी ने तुम्हें, तुम नाचती है ना हाँ। तभी कैमरा में ज्यादा तो प्रसिद्ध कर दिया है हाँ, प्रसिद्ध कर दिया है तो प्रसिद्ध बिल्कुल। गुरु जी उधर आ गए है ना, उधर उधर भी आ गए हैं गुरु जी, वहाँ से मैंने दिखाया था ना अभी हाँ। आश्रम में थे, अब यहाँ पे आ गए हैं गुरुकुल के पास हाँ। बहुत जल्दी आ गए, मैं निकल नहीं पाई वहाँ से बाहर तब तक गुरुजी यहाँ पर भी आ गए। चलो मैं यहाँ पर भी दर्शन कराती हूँ आप लोगों को गुरुजी के, ठीक है। तो दोस्तों कल की वीडियो पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए फिर से एक और नई वीडियो बना देती हूँ आप लोगों के कमेंटों को लेकर। आप लोग पूछ रहे थे दीदी जो हम कैमरे पे देखते हैं गुरुजी दिखाते हैं वो सब कुछ रियल होता है या झूठ है, महाराज जी दिखाते हैं माताओं को वो माताएँ रखते हैं, गुरुकुल दिखाते हैं गुरुकुल ये देख लो सामने है, गैयाँ भी यहाँ रहती हैं और 24 घंटा रसोई भी चलती रहती है, कुछ भी यहाँ झूठ नहीं है, जो दिखाते हैं वो सब कुछ सच है। मायावती के पास उधर आउट एरिया में गौशाला थी, बाकी गई सब नहीं आ गई हैं, अब ये गौशाला आ गई है परिक्रमा मार्ग में ही, गौरीपाल आश्रम परिक्रमा मार्ग में ही गौशाला, वैसे एक गौशाला भी रहती आउट एरिया की तरफ, अब बाकी गई नहीं आ गई, माताएं रहती बेबी नहीं आ गई, अब ये गौशाला आ गई है। और देखो इन दोनों माँ बेटे को कितने प्यारे लग रही हैं ये दोनों, एक अंत में खड़ी हैं दोनों के दोनों, ये देखो अपने बेटे से कितना प्यार कर रही है, माँ तो माँ होती है ना चाहे वो इंसान हो या पशु पक्षी है ना। देखो यहाँ पे पानी भर गया, बहुत तेज पानी बरसा था गाइस कल, वो ही सारा भर गया है, इसमें पानी निकलने की कहीं जगह है नहीं इसलिए किचपिच हो रखी है। ये देखो मेरे पास आ गई, इसे लगा था मैं कुछ खाने के लिए लाई हूँ लेकिन मैं कुछ भी नहीं लाई,
और दोस्तों देखिएगा, ये आ रहे हैं गुरुकुल से पढ़कर बच्चे। मैंने बोला था ना महाराज जी अंदर हैं अभी, तो मुझे नहीं पता था, लेकिन अब पता चला है। मैंने पूछा था गुरु जी क्या कर रहे हैं, इतनी देर हो गई अभी तक आई नहीं। तो यहाँ पे गुरु जी पढ़ा रहे थे गुरुकुल में इन बच्चों को, वहाँ से आकर यहाँ पे गुरु जी पढ़ाने आए हैं बच्चों को। देख लो वहाँ से आए, फिर यहाँ से जाकर फिर वहाँ पर जाएंगे, फिर भागवत करेंगे। कितना काम करते, पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, पता नहीं भगवान जाने कब सोते होंगे। रात में भी 11 बजे तक रसोई चलती है, रात के 11 बजे। अच्छा महाराज जी के आपको यहाँ पर भी दर्शन करा दूँ गौशाला में, लेकिन महाराज जी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, यानी कि गुरुकुल है ना इधर, गुरुकुल के बच्चे देखो को जा रहे हैं उधर, और कुछ अंदर हैं उनको पढ़ाने गए हैं। अब बोल रहे हैं यहाँ पे सारे लोग 1 घंटे बाद आएंगे। तो मैंने दर्शन तो आप सभी को करा ही दिए हैं, वहाँ पर ही करा दिए थे मैंने, है ना। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर पे। देखो अगर आप अटल्ला की तरफ से आ रहे हो परिक्रमा देते देते, तो सबसे पहले गौरी गोपाल गौशाला पड़ेगी, उसके बाद गौरी गोपाल आश्रम पड़ेगा जिसमें माताएं रहती हैं, रसोई चलती है, स्वयं गुरुजी रहते हैं। वो ये परिक्रमा मार्ग में ही है, देख लो वो भी परिक्रमा मार्ग में ही थी गौरी गोपाल गौशाला, और ये भी देखो परिक्रमा मार्ग में ही है। ये महाराज जी का ये नया बन रहा है वो वाला आश्रम है, और इधर की साइड में जो पुराना है वो वाला आश्रम है, लेकिन है परिक्रमा मार्ग में ही। आपको कहीं नहीं जाना, अगर आप परिक्रमा लगा रहे हो तो आप लोगों को दोनों चीज़ परिक्रमा मार्ग में ही मिल जाएंगी। और दोस्तों आज मैं परिक्रमा मार्ग होकर नहीं, पापड़ी चौराहे होकर जा रही हूँ, प्रेम मंदिर भी मिलेगा रास्ते में। ये देखो दिख रहा है ना प्रेम मंदिर, तो प्रेम मंदिर होकर मैं अपने घर जा रही हूँ। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं घर पर, और अगर आप लोगों को गुरुजी की और वीडियो देखनी है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ अपने घर पर, और वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय। थक गई मैं, चढ़ के आई जी ना वैसे।